पिपराव पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, एक व्यक्ति के कब्जे से जब्त किया मोटरसाइकिल, पहुंचाया उसे जेल। सीधी जिले में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत पिपराव चौकी के पास ग्राम नैकिन में एक व्यक्ति के कब्जे से 8 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया गया है। यह सभी मोटरसाइकिल चोरी की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन राजेश कुशवाहा पिता मिथिला प्रसाद कुशवाहा निवासी पिपराव की मोटरसाइकिल होंडा श्राइन 19 मार्च को 7:30 बजे शाम को बघवार तिराहा से चोरी कर ली गई थी, जिसकी रिपोर्ट पिपराव चौकी में की गई थी। जहां मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई चोरियों को देखकर गंभीरता से पुलिस चौकी पिपराव द्वारा विवेचना की गई, जिसमें विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी पर हमने एक व्यक्ति रोहित साकेत पिता राजेंद्र साकेत उम्र 18 वर्ष निवासी नैकिन से पूछताछ की, तब उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा पकड़ ली गई। साथ ही उसके अलावा अन्य 7 मोटरसाइकिल यानी कुल मिलाकर 8 मोटरसाइकिल को आरोपी के कब्जे से आज बुधवार को जब्त कर लिया गया है, जहां बिना नंबर के फैशन प्रो स्प्लेंडर HF डिलक्स होंडा श्राइन स्प्लेंडर प्रो हीरो होंडा सिटी डिलक्स की गाड़ियां मिली हैं, जहां आरोपी के कब्जे से गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और चोरी की अन्य धाराओं पर मामला दर्ज कर लिया है। जी सर, किस संबंध में संबंधित आरोपी को पकड़ना है, कृपया बताने की कोशिश करें। राजेश कुशवाहा पिता मिथिला प्रसाद कुशवाहा निवासी पिपराव का दिनांक 20/3/2023 को रिपोर्ट किया कि इसकी मोटरसाइकिल दिनांक 19/3/2023 के 7:30 बजे बहेरा तिराहा से चोरी हो गई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार बढ़ती हुई मोटरसाइकिल की घटनाओं को देखते हुए प्रकरण में आरोपी रोहित साकेत पिता राजेंद्र साकेत निवासी नैकिन से पूछताछ की गई, क्योंकि लोगों से पता चला था कि यह मोटरसाइकिल बिक्री करने के संबंध में लोगों से चर्चाएं कर रहा था, तो इस संबंध में पूछताछ की गई तो इससे चोरी गई मोटरसाइकिल एवं अन्य 6 नंबर मोटरसाइकिल जब्त की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है।